जैसे कल आपको बता रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर पूछता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग किसे कहें, तो वह स्टेटमेंट जो प्रॉफिट लॉस के साथ साथ एसेट्स लायबिलिटीज को भी दर्शाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हम आपको बोले यह बात कि अगर कोई हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफिनेशन अगर पूछता है, तो वह स्टेटमेंट जो हमें प्रॉफिट लॉस के साथ साथ एसेट्स लायबिलिटीज दोनों को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुनिए, यानी वह स्टेटमेंट जो हमें प्रॉफिट लॉस के एसेट्स लायबिलिटीज को भी दर्शाता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो तो क्या बोले, प्रॉफिट लॉस को भी दर्शाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो तो मुना, वो भी दर्शाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलिए तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहिए, यानी वह स्टेटमेंट जो हमें प्रॉफिट लॉस के साथ साथ एसेट्स लायबिलिटीज को भी दर्शाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है What do you mean by financial statement? वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं, वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। हम आंसर देंगे वो दैट स्टेटमेंट विच सोर्स प्रॉफिट और लॉस एज वेल एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज इट्स कॉल्ड financial statement. हो गया, लिखिएगा हिंदी में लिखिए, वह स्टेटमेंट जो
भी दिया आपको, लॉस के साथ साथ, लॉस के साथ साथ संपत्ति और संपत्ति एवं दायित्व को दर्शाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मेरा बात आप समझिए, जैसे हम यहां पे बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, हम आपको डिफिनेशन लिखाओ, अगर हमसे थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइप्स अगर पूछता हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा कितने तरह का हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास दो तरह का होता है, पहला इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। यानी कोई अगर हमसे यह बात अगर पूछ ले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा कितने तरह का होता हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा दो तरह का होता है, पहला हमारा इनकम स्टेटमेंट और दूसरा हमारा पोजीशन स्टेटमेंट। सुने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरह का, कौन कौन, पोजीशन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और क्या बोले हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर टाइप्स अगर हमसे पूछता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरह का, दो तरह का, कौन कौन, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट जो होता है वह हमारा प्रॉफिट लॉस दर्शाता है, और पोजीशन स्टेटमेंट जो होता हो वह हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज को दर्शाता है। यानी इनकम स्टेटमेंट जो होता है वह हमें क्या दर्शाएगा, वो प्रॉफिट और लॉस दर्शाएगा, और वही पोजीशन स्टेटमेंट हमारा क्या दर्शाएगा, एसेट और लायबिलिटी दर्शाएगा। क्लियर है? अब यहां पे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण कितने तरह का होता, वो हम लोग यहां पे कैंसर लिखेंगे। There are following types of financial statement. Following types of financial statement. वित्तीय विवरण निम्न तरह का होता है।
होता है। वो जैसे हम आपको बताए कि हमारा दो तरह का होता है ना, तो दो तरह का जनरली चलता है, इसीलिए हम आपको दो तरह का बताए। लेकिन अगर इसका टाइप्स अगर देखा जाए ना, तो यह विभिन्न तरह का हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कहने का मतलब क्या, यानी जो फिनांस से संबंधित जितना भी स्टेटमेंट होता हो, वह सारा का सारा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। जैसे हम लोग यहां पे बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो पहला नंबर हम आपको बता रहे इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं आय विवरण, आय विवरण। दूसरा नंबर हम आपको बताए पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, और पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब होता है स्थिति विवरण, स्थिति स्थिति विवरण, स्थिति विवरण हो। और तीसरा नंबर होता हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण। चौथा नंबर होता है टैक्स स्टेटमेंट, टैक्स स्टेटमेंट, टैक्स स्टेटमेंट, कर विवरण, कर विवरण। और पांचवा नंबर अदर वेगा, पांचवा नंबर हमारा अदर यानी अन्य। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। जैसे हमने आपको बताया हम लोग को अभी दो ही का जरूरत है, हम लोग को अभी दो ही का जरूरत है। अब जैसे हमसे अगर इनकम स्टेटमेंट अगर पूछता हो कि इनकम स्टेटमेंट होता क्या है, इनकम स्टेटमेंट हम लोग किसे कहेंगे? अगर हमसे इनकम स्टेटमेंट का परिभाषा पूछता है, यानी वह स्टेटमेंट जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस को दर्शाता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम स्टेटमेंट। और पोजीशन स्टेटमेंट हम उसे बोलेंगे वो कि वह स्टेटमेंट जो हमें एसेट और लायबिलिटी को दर्शाता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन स्टेटमेंट। ये क्लियर है? यानी कोई अगर आपसे पूछे इनकम स्टेटमेंट हम लोग किसे कहेंगे वो, तो वह स्टेटमेंट जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस को दर्शाए, उससे हम लोग क्या बोलेंगे वो? और वह स्टेटमेंट जो हमें एसेट और लायबिलिटी को दर्शाता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन स्टेटमेंट। सुने आप?
क्या सुने, इनकम स्टेटमेंट किसे कहिए और पोजीशन स्टेटमेंट किसे कहिए, जो एसेट और लायबिलिटीज को दर्शाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो पोजीशन स्टेटमेंट। ये क्लियर है? अब लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है वो, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट आय विवरण से, विवरण से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, ऐसे लिखेंगे वो, दैट स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट विच सो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। वह विवरण जो लाभ या हानि को दर्शाता है, हानि को दर्शाता है, दर्शाता है इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट कहलाता है, इनकम स्टेटमेंट कहलाता है, स्टेटमेंट काला है। जो हम आपको इनकम स्टेटमेंट जो बताया ना, वो इनकम स्टेटमेंट, अभी इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाते कैसे, मेरा बात आप समझिए, अगर हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना रहे ना, वो इनकम स्टेटमेंट अगर हमें बनाना रहे तो हम लोग सबसे पहले रेवेन्यू लिखते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या है कि सबसे पहले आमदनी लिखते हैं, और आमदनी में सबसे पहला नंबर होता हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया नेट सेल्स, और उसके बाद हम लोग अदर इनकम लिखते हैं, और तब जाके हम लोग टोटल रेवेन्यू कर देते, तब उसके बाद हम लोग एक्सपेंसेज लिखते हैं, और एक्सपेंसेज में जितना भी एक्सपेंसेज आता है, जो भी एक्सपेंसेज आए लॉस के साथ, सारा एक्सपेंसेज को हम लोग लिखते हैं, और तब जाके हम लोग टोटल एक्सपेंसेज लिखते हैं, और टोटल एक्सपेंसेज लिखने के बाद अगला नंबर जो हमारा आता है
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या हुआ, जो टोटल रेवेन्यू होता है ना, टोटल रेवेन्यू, उसमें से टोटल एक्सपेंसेस आप घटा दिए, वह नेट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम लोग टैक्स लिख देते हैं, और टैक्स घटाने के बाद तब हमारे पास जो प्रॉफिट आता है वह प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। हम सबसे पहले बोले हैं कि अगर हमें इनकम स्टेटमेंट अगर बनाना रहे ना, तो हम इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे कर सकते, सबसे पहले जिस कंपनी का बनाइएगा, जिस फर्म का बनाइएगा, उस फर्म का नाम, जैसे नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, या जो फर्म रहेगा वो फर्म का नाम। और हम यहां पे लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, क्लियर है। अब यहां पे लिखेंगे फॉर द ईयर इंडेड, यानी किस साल के समाप्ति पर आप बना रहे, फॉर द ईयर इंडेड डॉट डॉट। और हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, इसमें हम लोग करेंट ईयर का भी डाटा लेते हैं और प्रीवियस ईयर का भी डाटा लेते हैं, फॉर्मेट में हम लोग लगेंगे, भले प्रीवियस ईयर का डाटा हमारे पास दिया हो चाहे, एक मिनट मेरा बात आप समझिए, हम यहां पे पार्टिकुलर्स लिखेंगे, एक बात ये स्टेटमेंट है, वो कोई अकाउंट नहीं है, अकाउंट रहता तब यहां पर डेबिट क्रेडिट होता, यहां पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि यह हमारे लिए स्टेटमेंट है, और अकाउंट रहता वहां पे ना हम लोग डेबिट क्रेडिट लिखते, बुझाया। हम यहां पे लेंगे करेंट ईयर का इंफॉर्मेशन, करेंट ईयर, करेंट ईयर, और हम यहां पे लेंगे प्रीवियस, प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल। सबसे पहला नंबर हम लोग लेंगे रेवेन्यू, और रेवेन्यू में एक नंबर में आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हुआ नेट सेल्स। अगर आपसे पूछे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, नेट सेल्स, बात बुझाया, यानी पहला जो पार्ट आएगा रेवेन्यू के अंतर्गत, इस रेवेन्यू के अंतर्गत पहला नंबर क्या आएगा, और दूसरा जो पार्ट आएगा अदर इनकम, अदर इनकम, यानी जितना भी अन्य कोई भी इनकम रहेगा वह सारा इनकम को हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अन्य जितना भी इनकम रहेगा सारा इनकम, जैसे हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ, ब्रोकरेज रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, यह सारा का सारा हमारा कहां जाएगा, अदर इनकम, क्लियर है। अब जब अदर इनकम जोड़ लेंगे तब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तब हम यहां पे क्या करेंगे, टोटल, यानी दूसरा जो पार्ट होगा टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू को यहां पे टोटल करके हम लोग बंद। अब हमारे पास तीसरा पार्ट क्या होगा, तीसरा पार्ट होगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में सारा एक्सपेंसेस आ जाएगा, जैसे ओपनिंग स्टॉक हुआ तो ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे, या ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए एक्सपेंसेस होता हो हम लोग परचेज को ले लेंगे, परचेज को ले लेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तो इसको कम करता हो, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में दे देंगे, यानी माइनस कर देंगे इस दोनों में से, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे,
उसके बाद जितना भी एक्सपेंसेज है सारा एक्सपेंसेज, जैसे हमारे पास वेजेज होता है तो वेजेज दे देंगे, सैलरी होता है तो सैलरी दे देंगे, वो क्या यह सारा एक्सपेंसेज हम लोग क्या करेंगे, यह सारा एक्सपेंसेज हम लोग, और तब जाके चार नंबर जो करेंगे वो टोटल एक्सपेंसेज करेंगे, टोटल एक्सपेंसेज, यानी एक्सपेंसेज को आप क्या कीजिएगा, सारा एक्सपेंसेज को आपको क्या करना होगा, जोड़िए, सार हो जाएगा, क्लियर है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या लिए, वो पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, पहला पार्ट हमारा क्या हुआ, रेवेन्यू, रेवेन्यू में दो ठो आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, और दूसरा हमारा पार्ट क्या हो गया, अदर इनकम, यानी सबको जोड़ के हमारा दूसरा पार्ट आ गया टोटल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेज ले लेते हैं, और एक्सपेंसेज में सारा एक्सपेंसेज, जितना भी एक्सपेंसेज रहेगा, जितना भी लॉस रहेगा, सारा लॉस को ले लेंगे, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेज। अब ये जो पांचवा नंबर जो पार्ट हमारा आएगा, पांचवा नंबर पार्ट, ये पांचवा नंबर जो पार्ट हमारा आएगा, यह हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीबीटी, क्लियर है। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, तो दो नंबर में से हम क्या करेंगे, चार नंबर को घटा, बात बुझाया, तो दो नंबर में टोटल रेवेन्यू था, क्लियर है वो, और चार नंबर में हमारा टोटल एक्सपेंसेस था, तो दो में से हम लोग क्या करेंगे, चार को, या हमारे पास में प्रॉफिट बिफोर, अब इसको भी आप बंद, इसको भी हम लोग क्या करेंगे बंद। अब सिक्स नंबर में जो आएंगे वो टैक्स ले लेंगे, टैक्स, टैक्स को यहां पे ले लेंगे, टैक्स को भी हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे, क्लियर है। और सेवन नंबर जो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, यानी इसको बोलते हैं एनपीएटी, एनपी यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कैसे आएगा, जब हम क्या करेंगे, पांच नंबर में से छह नंबर हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर, ये है, इस समझ में आया है, हम एक बार और रिकैप कर देंगे आपको, हम एक बार और रिकैप कर दे रहे हैं, एक मिनट हम आपको जैसे यहां पे सबसे पहले हमने क्या लिखा हो, सबसे पहले क्या लिखा, रेवेन्यू में हमारा क्या जो रेवेन्यू आ गया हो, पहला नंबर क्या हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और दूसरा नंबर क्या आ गया, अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सेल्स। उसके बाद हमने टोटल रेवेन्यू ले लिया हो, उसके बाद हमने एक्सपेंसेस ले लिया, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को घटा दिए तो हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर, उसके बाद हमने क्या ले लिया हो, और टैक्स लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर। शायद आपको समझ में आया।